हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम यहां पर आज सीखने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंडर में आप कैपिटल गेन या लॉस को कैसे फाइल करें, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग के लिए ऑलरेडी आपको चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज मिलेंगे, मैंने अपलोड किए हुए हैं किस तरह से आप आईटीआर फॉर्म भरें। अलग अलग आईटीआर फॉर्म के लिए भी अलग अलग वीडियो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। बट आज का जो हमारा वीडियो का पर्पज रहेगा वो ये रहेगा कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कैपिटल गेन या लॉस के शेड्यूल को कैसे भरना है। अब वो कैपिटल गेन या लॉस जो भी है वो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप शेयर्स के अंडर में डील करते हो उससे भी हो सकता है, या फिर किसी अदर ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से www.incometax.gov.in यहाँ से हमें यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। अभी जो यूटिलिटी आई हुई है वो 1 से लेकर 4 तक यूटिलिटी अवेलेबल हैं, धीरे धीरे ये अवेलेबल होंगी। 21-22 के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसका लिए हमारा जो एस्टिमेट ईयर है वो 22-23 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ही हमें यहाँ पर ये यूटिलिटी लेटेस्ट यहाँ से डाउनलोड करनी है। इससे प्रीवियस ईयर की करनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं, प्रोसेस सब में सेम रहेगा। उसके अलावा जैसे ये फर्दर आईटीआर फॉर्म्स आएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। आज हम यहाँ पर सीखेंगे आईटीआर 2 हो या आईटीआर 3, क्योंकि आईटीआर 1 और 4 के अंडर में कैपिटल गेन आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आईटीआर 3 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि आईटीआर 3 में हम जो भी कवरेज करेंगे वो सेम टू सेम आईटीआर 2 में भी अप्लाइड होगा। आईटीआर 3 फाइल करने का प्रभाव ये है क्योंकि एक बड़ा फॉर्म है, इसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। हमने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली, इस तरह से हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। हमारे यहाँ पर ये इनकम टैक्स फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप आईटीआर 2 लें या फिर आईटीआर 3 लें, सब में एक ही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद हम यहाँ पर शेड्यूल्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इनकम के शेड्यूल्स हैं अलग अलग, तो उसमें हम यहाँ पर कैपिटल गेन, ध्यान दीजिएगा कैपिटल गेन सेलेक्ट होना जरूरी है, बाकी कोई हो या ना हो, क्योंकि हमारी वीडियो का आज का मेन पर्पज है कैपिटल गेन का शेड्यूल कैसे भरना है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग एक बार देखने पड़ेंगे। आईटीआर फॉर्म ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम कैपिटल गेन सीजी करके एक शेड्यूल आएगा, उसको हम फिलअप करेंगे, ठीक है। वो शेड्यूल फाइल करेंगे हम, ये वाला डिटेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ही हमें जो शेयर से रिगार्डिंग है उसके लिए भी यहीं से फिल करना है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था अलग अलग पर्पज, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, स्लम सेल, इक्विटी शेयर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके लिए यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदर एसेट्स के लिए जैसे कि कोई आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, कोई भी अलग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कैटेगरी के लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपका जो गेन है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अभी हम जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डेट्स एंटर करनी होगी लैंड के केस में। बाकी शेयर्स के केस में क्या है कि वहाँ पर शेयर्स की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। अब जैसे लैंड और बिल्डिंग या बोथ, हम इसमें क्या करेंगे, ऐड डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से डेट ले लेनी है। इस डेट के अकॉर्डिंग ही ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि जो पीरियड है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा कि परचेज की वैल्यू और सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या आपका ये कैपिटल गेन बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक डेट ले लेता हूँ, ये मेरी हो गई यहाँ पर स्टार्टिंग डेट यानी कि परचेज की डेट, और ट्रांसफर की डेट मैं लूंगा इसके अंडर में कोई भी डेट, यहाँ पर हम ले सकते हैं 21-22 के अंडर में, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पर, ये ट्रांसफर हुई है एसेट्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये बता देगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो क्योंकि जो पीरियड है वो 24 मंथ से ज़्यादा का है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर ये 24 मंथ से कम का होगा तो शॉर्ट टर्म होता, दोनों के टैक्स रेट्स अलग अलग हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एज पर सेक्शन 50C, ठीक है। तो ये इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आ रहा है इसलिए आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन के जो रेट्स हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। इम्प्रूवमेंट को भी आपको इंडेक्सेशन के साथ मिलेगा, कोई आपने इम्प्रूवमेंट कराया अगर तो उसमें ईयर और वैल्यू यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी एक्सपेंस है उससे रिलेटेड वो भी यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर आपको वैल्यू को सेव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए सेव यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ 25 लाख की, और इसकी जो परचेज वैल्यू है वो मैं यहां पर एंटर कर लेता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो जो जिस साल में मैंने परचेज की थी, क्योंकि मैंने डेट ऑटोमेटिकली दी हुई है वहां से, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि उसकी जो वैल्यू है, जैसे मैंने परचेज किया था 20 लाख का, तो उसमें रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट दिखा के मुझे वैल्यू बनेगी ये, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली होने लग गया अब सब कुछ। तो इसका मतलब मेरी ये वैल्यू यहाँ पर बनी जाएगी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको लेना है तो ले लीजिएगा, इंडेक्सेशन यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बायर की डिटेल आपको एंटर करनी मैंडेटरी है, पैन कार्ड देना, पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद परसेंटेज अमाउंट कितना है, अमाउंट तो वही हम लिखेंगे 25 लाख। उसके बाद एड्रेस और प्रॉपर्टी ऐड करके हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कैपिटल गेन एंटर करने का तरीका हुआ, क्योंकि मैंने डेट्स इस तरह से रखी हैं कि लॉन्ग टर्म आया है, अगर शॉर्ट टर्म भी आता तो भी हम इस तरह से रखते, पर वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे नहीं मिलता। अब यहाँ पर आता है स्लम सेल का, अगर स्लम सेल है तो उस पर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैपिटल गेन के शेड्यूल में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी कि किस किस पीरियड में, मतलब इन्होंने एक पीरियड वाइज इसको बाइफरकेट किया हुआ है, ये एडवांस टैक्स के लिए है, कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और वो किस पीरियड के लिए है। ये पीरियड इन्होंने यहाँ पर 5 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है एक पर्टिकुलर ईयर को, क्योंकि ये बेसिकली एडवांस टैक्स यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट की आपकी कैलकुलेशन आएगी अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा था तो। यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर कर लेनी है, जो भी आपका गेन है उससे मैच होना जरूरी है। बस ये वाला शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार वो शेयर्स वाला भी चेक कर लेते हैं कि उसमें हमें किस तरह से वैल्यू को एंटर करना है। बिल्कुल उसमें तो आसान है, क्योंकि उसमें इंडेक्सेशन वाला चक्कर कुछ होता नहीं है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार इक्विटी शेयर्स वाला। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये वाला ऑप्शन लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये वाला लेना है। अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन भी एक साथ यहाँ पर ले सकते हैं, बट ऐसा जनरली केस में नहीं होता है। मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के शेड्यूल भरने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है कि कुछ शेयर्स पर आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ होगा, कुछ पे लॉन्ग टर्म हुआ होगा, तो ये होता ही है। इसके लिए आपको डीमैट के अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करके वहां से चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि रेट जो है वो अलग अलग होता है, कहीं पर 20% होता है, कहीं पर 10% होता है। तो ये रहा हमारा पहले वाला ऑप्शन जहां पर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंटर करेंगे। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है ये वाला, फिर उसके बाद जो है ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि स्टेटमेंट आती है एक्सेल में निकलती है, उसका टोटल यहाँ पर एंटर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन आपको मिलता ही नहीं है, इम्प्रूवमेंट का कोई चक्कर उसमें होता नहीं है, तो वो वैल्यू आप यहाँ एंटर कर लेंगे। कुछ अलग अदर चार्जेस आप लेना चाहते हैं तो वो ले लेंगे। उसके साथ ये वाला शेड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। अब ऐड पर क्लिक कर लेंगे, इसी तरह से हम एंटर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, पर उसका जो टैक्सेशन है वो होगा 112A वाला, तो उसके लिए एक शेड्यूल आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। ये रहा हमारा लॉन्ग टर्म वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पर आप एंटर करेंगे, सेम उसी तरह से आपका आएगा, पर यहाँ पर हमें एक शेड्यूल यहाँ पर अलग से भरना पड़ेगा। ये वाला इसका शेड्यूल अलग से इन्होंने दिया हुआ है, एक्सेल फाइल भी आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ऑन और आफ्टर और बिफोर, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया था, तो मैं अभी अगर ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड थे, तो जैसे डीमैट के जो चार्ज वार्ज होते हैं वो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने का आपने सेल आउट किया है, इस तरह से आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर। शायद जीरो के साथ ही ऐड नहीं करने देगा, मैं अभी बैक करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। फिर उसके बाद जो है इसी में भी, जैसे मैंने पहले बताया था लैंड एंड बिल्डिंग के केस वाले में भी हमें एंटर करनी होती थी वैल्यू, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। कौन से वाली वैल्यू, जो स्पेशल शेड्यूल्स आता था हमारा, जो नीचे हमने देखा था कि हमें बाइफर्केशन दिखाना था, जो भी हमारा गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आप लॉस क्लेम करना चाहते हैं तो आपको टाइमली रिटर्न फाइल करनी होगी, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है डेट एक्सटेंशन की, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हैं उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो भी होगा, शॉर्ट टर्म जो भी होगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर के कोई भी आप इससे सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी अलग से, ठीक है। कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं कैपिटल गेन के रिगार्डिंग, वैसे तो इस केस में यहाँ पर अलाउड नहीं होती है, ये अदर्स के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार,
ऐड डिटेल्स पर क्लिक करनी है, फिर उसके बाद डिडक्शन। ये सेक्शन अलग अलग दिए गए हैं, तो आप एक बार इसमें चेक करेंगे कि इसमें कवरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी सेक्शन बेसिकली शेयर के केस में अप्लाइड नहीं होते हैं, ठीक है। बट वो जो लास्ट वाला शेड्यूल्स था एफ, वो आपको फिलअप करना ही करना है, जो मैंने बताया था, जहां पर पर्टिकुलरली वैल्यू दिखाई गई थी कि किस किस पीरियड में कितना कितना आपको गेन हुआ है। ये वाला फील्ड एफ, इसके अंडर में आपको वैल्यू एंटर करनी ही करनी है, वो कोई भी गेन हो, किसी भी तरह का गेन हो तो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लॉस के केस में इसको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, देखिए इसको फिल करना जरूरी है। तो कैपिटल गेन के शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपको फिल आउट करना है। बस उसके अलावा अगर आपकी केवल कैपिटल गेन की इनकम है, हो सकता है सैलरी की एक छोटी सी इनकम रही हो, तो वो सैलरी की इनकम आप फिलअप करेंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल इस तरह से फाइल करेंगे। और ITR को आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया गया है, आप एक बार जाकर वीडियो देख लें तो आपको पूरा पता लग जाएगा किस तरह से आपको भरना है। इसके अलावा अगर शेयर ट्रेडिंग के साथ साथ शेयर मतलब शेयर में कैपिटल गेन के साथ साथ आपकी ट्रेडिंग की इनकम भी एज इंट्राडे टाइप की इनकम अगर होती है, तो उसके लिए शेड्यूल अलग से फाइल करना होता है, उसके लिए भी यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की गई है, आप जाएं और एक बार वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखें, आपके बेनिफिट के लिए अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।